चंद्रयान 2 ने चांद पर की बड़ी खोज। चांद की सतह पर मिला कौन सा खनिज? वैज्ञानिकों ने क्यों बताया इसे बड़ी सफलता? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को एक बहुत बड़ी सफलता चांद पर हाथ लगी। जी, इसरो द्वारा एक चंद्रयान 2 जो चांद पर भेजा गया था उसके ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसे क्लास कहा जाता है, उसने पहली बार चंद्रमा की सतह पर एक ऐसी खोज की है जिसने एक बार फिर से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। दरअसल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है जिसे क्लास कहा जाता है, उसने चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। जी, इसरो ने बताया कि इससे चांद पर सोडियम की मात्रा का पता लगाने की संभावनाओं का रास्ता हमारे लिए खुल गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार यानी 7 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार यानी 7 अक्टूबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुए एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने पहली बार क्लास का इस्तेमाल करके चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मौजूदगी का पता लगाया। बेंगलुरु में इसरो के यूआर राव उपग्रह केंद्र में निर्मित क्लास अपनी उच्च संवेदी क्षमता और दक्षता के कारण सोडियम लाइन के स्पष्ट सबूत उपलब्ध करवाता है। इसरो इसे अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है क्योंकि इसके जरिए आगे भी खनिजों का पता लगाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसरो ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। इसरो ने अपने अध्ययन में पाया कि ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर सोडियम होने के संकेत संभवतः सोडियम अणुओं की एक पतली परत से भी मिले जो चंद्रमा के कणों से कमजोर रूप से जुड़े होते हैं। अगर ये सोडियम चंद्रमा के खनिजों का हिस्सा है तो इन सोडियम अणुओं को सौर वायु या पैराबैंगनी विकिरण से अधिक आसानी से सतह के बाहर लाया जा सकता है। इसरो के मुताबिक इस तत्व में दिलचस्पी पैदा करने वाली बात यह है कि चंद्रमा के महीन वातावरण में इसकी मौजूदगी है जो कि इतना तंग क्षेत्र है कि वहां अणु भी विरले ही पाए जाते हैं यानी मुश्किल से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को एक्सोस्फीयर कहा जाता है जो चंद्रमा की सतह से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इसरो ने आगे कहा कि चंद्रयान 2 की इस नई जानकारी से चंद्रमा की सतह पर एक्सोस्फीयर के बारे में एक नया अध्ययन करने का उन्हें मौका मिलेगा जिससे हमारे सौरमंडल में तथा उसके आगे बुध ग्रह और अन्य वायुहीन पिंडों के लिए ऐसे ही मॉडल विकसित करने में हमें मदद मिलेगी। चंद्रयान 2 पहले ये पता लगा चुका है कि चंद्रमा के आयन मंडल में प्लाज्मा घनत्व होता है जो वेग क्षेत्र में मौजूद होता है। 2019 में कक्षा में आने के बाद से अंतरिक्ष यान चंद्र सतह का लगातार अध्ययन कर रहा है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया।